हेलो स्टूडेंट्स, आप एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अब हम जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो आपके साथ जाएंगी और हम किन चीजों को बोल रहे हैं कि आप साथ में रख सकते हैं। सबसे पहले जो मैंडेटरी है और जो बहुत बेहद जरूरी है वो ये है कि आपकी स्कूल की आईडी और एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। वो कभी भी आपसे मांगा जा सकता है, तो आप एक दिन पहले बिल्कुल श्योर हो जाओ कि वो चीज़ें कहाँ पड़ी हैं और उसको साथ में कैरी करना है। आप चाहो तो एडमिट कार्ड के एक दो जेरोक्स भी करवा के रख सकते हो। पर उसके साथ साथ आपको स्कूल यूनिफॉर्म में होना पड़ेगा। आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में जहाँ पर भी आपका सेंटर पड़ा है वहाँ पहुँचने चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म भी होनी बहुत ज़रूरी है, तो एक दिन पहले प्लीज़ अश्योर कर लें कि वो ठीक से आयरन हुई हुई है कि नहीं, ठीक से कुछ क्रीसिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी के साथ एंटर करोगे तो ये पेपर देने का एक अच्छा तरीका भी हो सकता है। वेल, इसके अलावा क्या क्या साथ में होना चाहिए? आप चाहो तो एक क्लॉथ नैपकिन या एक हैंड टॉवल साथ में रख लो, क्योंकि पेपर देते समय कभी कभी बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस बहुत सारा स्वेट आ जाता है और वो जो स्वेट ड्रॉप्स हैं वो आपके आंसर शीट को, जिस पर आप आंसर लिख रहे हैं, वो खराब कर सकती है। तो इट्स बेटर कि आप साथ में एक छोटा सा हैंड टॉवल या क्लॉथ नैपकिन कैरी करें। इसके अलावा आपका पेंसिल बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि यही आपका टूल बॉक्स होगा, तो उसमें कंपास होनी चाहिए, कम से कम तीन तरह के पेन जिनके शेड्स परमिटेड हैं। हमने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो करा हुआ है कि कौन कौन से शेड्स परमिटेड हैं। पेंसिल्स, शार्प पेंसिल्स होनी चाहिए, इरेजर होना चाहिए एक बहुत अच्छी क्वालिटी का, और शार्पनर होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा स्केल, मेटेलिक स्केल भी हो सकता है, और उसको आप एक दिन पहले बहुत अच्छे से क्लीन कर ड्राई कर आप किसी पाउच में रख सकते हो या मेटेलिक बॉक्स के अंदर रख सकते हो, जिसको हम ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। साथ साथ आप वॉच भी कैरी कर सकते हो ताकि आप समय को भी देख सको कि कितने क्वेश्चंस में कितना समय लग रहा है। यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉचेस, वन इज लाइक एनालॉग वॉच एंड द अदर वन इज अ डिजिटल वॉच। अगर आप डिजिटल वॉच ले जा रहे हो तो आप प्लीज़ उसके अलार्म्स बंद कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरह की साउंड वो आपको अलाउ नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। वेल, एक और बात मैं आपको बता दूं, इट इज़ गुड कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का भी एक कॉपी या ओरिजिनल अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फोन्स अलाउड नहीं होंगे, आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होंगे, और आपको आईपॉड्स या MP3 प्लेयर्स अलाउड नहीं होंगे, क्योंकि आपसे सारे बैग्स और कभी कभी तो वाटर बॉटल्स भी आपसे बाहर रखवा दी जाएंगी। तो फिर आपको स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आधा ध्यान आपका पेपर में होगा और आधा ध्यान आपके पास इन एक्सपेंसिव चीज़ें जो कि बाहर पड़ी होंगी उस पर होगा, तो आप इनको कैरी ही मत करिए। और आप बहुत फ्री माइंड से पेपर देकर आइए, और जब आपको फ्री माइंड रखना ही है तो क्यों ना जो टाइम हमें बोला गया है उससे भी 15 मिनट पहले पहुंचा जाए। यानी अगर पेपर 10:30 पर है और आपको बोला जाता है कि 10 o'clock पहुंचिए, तो हम कहते हैं कि आप 9:45 या 9:30 पर ही पहुंचिए। सो वो चीज़, क्योंकि अचानक कभी कभी आउट ऑफ ट्रैफिक पहले दिन इतना केओस हो जाता है, हमारी पूरी टीम ने देखा हुआ है कि वहाँ इतना केओस हो जाता है कि किलोमीटर्स तक जैम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑफिस का भी टाइम होता है और आपके पेपर का भी टाइम होता है, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। सो इट्स बेटर कि आप पहले पहुँचें एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।